अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3, विच इज अबाउट पिप मीट्स अ कन्विक्ट, कि जो पिप है इसमें एक मुजरिम से मिलता है। कि पिप एक मुजरिम से मिलता है, बेटा इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? बच्चों को इस स्टोरी में अगेन तमाम तस्वीरें दिखाएं, पूरी स्टोरी का रिमाइंडर दें कि इसकी स्टोरी क्या थी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइजेस, सरगर्मियाँ, कंप्रिहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है आंसर क्वेश्चन है, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं। उसके बाद भी दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट, इसी के बाद क्या है यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है, जो कि कहा गया है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। उसी के बाद नंबर 2 पे क्या है, यहाँ पे एक लाइन ली गई है जो कि हमारी टेक्स्ट से ली गई है, और फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, फिर हम उनके आंसर देंगे। जैसे कि हमसे कुछ बात कहते हैं, ठीक है, ये सतर हमारी टेक्स्ट से ली गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन बच्चों से करें कि वो इसका क्या आंसर देते हैं। अगर वो हमें आंसर देंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को समझ आ गया, यहाँ पर हमें दोबारा समझाने की कोशिश होगी तो हम उन्हें दोबारा वो गाइड करेंगे कि बेटा यहाँ पे ऐसा हुआ स्टोरी में, यहाँ पे ऐसा हुआ। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज पिप्स फुल नेम, कि पिप का पूरा नाम क्या था। तो क्या नाम था, हम कहेंगे उसका नाम क्या था, या तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हिज फुल नेम वाज फिलिप प्रिप, या फिर हम अकेला उसका नाम बता सकते हैं कि फिलिप प्रिप उसका नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, वेयर डिड ही लिव एंड विद वुम, के वो किसके साथ और वो कहाँ रहता, ठीक है, कि वो कहाँ और किसके साथ रहता था, किसके साथ रहता था, कहाँ पे था, हम कहेंगे पिप लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, कि पिप एक छोटे से गांव में रहता था। ही लिव्ड विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, तो वो अब क्या करता था, अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता था। इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो कहाँ और किसके साथ रहता था। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पिप लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ही लिव्ड विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, और वो अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेव यार्ड वन डे, कि एक रोज पिप ने कब्रिस्तान में रोना क्यों शुरू कर दिया। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपने स्टोरी में क्या पढ़ा था, वो क्यों रोने ही लगा था। बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज डैट हिज पेरेंट्स हैज डाइड, कि उसे महसूस हुआ और इसे एहसास हुआ कि उसके वालदैन जो कि वो मर चुके हैं, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक दिन रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द कन्विक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम, कि कैदी ने पिप को अपने लिए क्या लाने को कहा, उसने क्या लाने को कहा था, ठीक है, कैदी ने पिप को अपने लिए क्या लाने को कहा था। ही आस्क्ड पिप टू गेट अ फाइल एंड सम फूड फॉर हिम, किसने उसे कहा था कि वो इसके लिए एक क्या लेके आए, एक फाइल लेके आए और कुछ खुराक लेके आए, उसने ये कहा था। हम इसका सिंपल आंसर भी दे सकते हैं, सिर्फ हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ें कहा था, हम कह सकते हैं कि फाइल एंड फूड, सम फूड, फाइल एंड सम फूड, या फिर आप कंप्लीट इसका आंसर दे सकते हैं, ही आस्क्ड पिप टू गेट अ फाइल एंड सम फूड फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर एंड व्हेन डिड द कन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा, कि कैदी इसे दोबारा कब और कहाँ मिलना चाहता था। कन्विक्ट मीन्स क्या होता है, कैदी, उसे कहाँ, वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब मिलना चाहता था। तो हम कहेंगे ही वांटेड, वो चाहता था टू मीट हिम, इससे मिलना, एट बैटरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो इससे अगली सुबह, ठीक है, किले में मिलना चाहता था। हम इसका आंसर सिर्फ बता सकते हैं एट, ठीक है, बैटरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम कंप्लीट बता सकते हैं, अगर शॉर्ट करना तो हम एट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द कन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटन पिप, कि कैदी ने पिप को डराने के लिए क्या कहा और क्या किया। तो उसने क्या कहा और क्या किया था, ही टिल्ड पिप अगेन एंड अगेन, कि इसने पिप को बार बार दोहराया किया। ही टर्न्ड पिप
अपसेट डाउन एंड पुट हिम ऑन अ ग्रेव स्टोन। इसने क्या किया था, उसे मतलब उठा के फेंकता, इधर उधर करता, और फिर उसने क्या किया, उसे उठा लिया और उठा के उसे कब्र के एक पत्थर पर, ठीक है, पत्थर स्टोन पर उसने उसे बैठा दिया और उसे डराना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है डैड के द कन्विक्ट कैदी वाज द कोल्ड एंड हंग्री, कि उसे सर्दी लग रही थी और वो भूखा शिकार था। हमें कैसे पता चलता, हम ये पहले सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि बेटा हमें कैसे पता चलता है। इसका आंसर है हिज बॉडी वाज शिवरिंग, कि इसकी जो फुल बॉडी थी सर्दी की वजह से कांप रही थी। जब वो बताता है कि उसकी बॉडी कांप रही है, जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्यों कांप रही है, सर्दी की वजह से कांप रही है। ही एट द पीस ऑफ ब्रेड हंगरली, और जो वो ब्रेड खाता है, ठीक है, जो उसके पॉकेट से निकलता है पिप की, तो वो उसे इस तरह बहुत ज़्यादा जैसे भूख लगी होती है उसे टुकड़ा छीन कर वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। इन सब ये सारे साइन हमें बताते हैं कि उसे सर्दी लग रही है और साथ में ही वो उसे भूख लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई है, द कन्विक्ट सेज दैट ही इज नॉट अलोन, एंड वो कहता है ना कि वो अकेला नहीं है, एंड दैट ही हैज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद हिम, कोई उसके साथ एक नौजवान भी है जो छुपा हुआ है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये सच में बात है, ये ऐसे ही था। वाई डज ही टेल पिप दिस, वो क्यों पिप से ऐसी बात कहता है। पिप उसे कहता है ना कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो कि छुपा हुआ है, वो आप कहीं भी होगे वो क्या करेगा, आपको तलाश करके मार देगा। तो ये पूछा जा रहा है कि जो कन्विक्ट होता है वो पिप को ऐसा क्यों कहता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले पूछा गया कि आपके ख्याल में ट्रू है, तो हम कहेंगे आई थिंक इट इज़ नॉट ट्रू, कि मेरा ख्याल है ये बात सच नहीं है। ही टेल्स पिप दिस, वो इसलिए पिप को कहता है टू मेक हिम अफ्रेड, कि वो उसे डराना चाहता है, ठीक है, ताकि वो उसे डरा सके, इसलिए वो ये बात उसे कहता है। इसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन है जो कि हमारी टेक्स्ट से एक लाइन ली गई है और फिर उस लाइन के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्वेश्चन किया गया हु इज दिस अबाउट, कि किसके बारे में है, जो कि लाइन है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके अबाउट है। तो हम कहेंगे इट इज अबाउट द कन्विक्ट, कि ये एक कैदी के बारे में है। व्हाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे, इसने भागना क्यों शुरू किया। ही थॉट, उसने सोचा, पिप्स पेरेंट्स वर नियर बाय, उसने समझा कि पिप के वालिदैन नज़दीक ही मौजूद हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी था, व्हाट डिड द रियलाइज डैड मेड हिम स्टॉप, कि इसे किस बात का एहसास हुआ जिस पर वो रुक गया। तो वो क्या थी, कि उसे किस चीज़ का एहसास हुआ जिसकी वजह से वो रुक गया। इसका आंसर ही रियलाइज डैड, उसे एहसास हुआ द directions Pip pointed to had infected nothing, infect nothing but graves. इसे एहसास हुआ कि जिस तरफ पिप ने इशारा कर रहा है इस तरफ कब्रों के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। ही realized that he, जो उसने direction की तरफ point out किया था वहाँ पे क्या था, graves थे, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। Next है working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Find the correct meanings of the following in a dictionary, कि डिक्शनरी से मदरजा ज़ैल लफ्ज़ों के दुरुस्त मायने तलाश कीजिए। राइट द वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, अब हम क्या करेंगे, लफ्ज़ के इसके मायने अपनी बुक कॉपी पे लिखेंगे। नॉट डैट द वर्ड्स मे हैव मोर देन वन मीनिंग, कि हो सकता है कि इस बात का ध्यान रखिए कि लफ्ज़ों के एक से ज़्यादा मायने हो सकते हैं। टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, आप लफ्ज़ों के मायने तलाश कीजिए। यूज़ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो आप इसे क्या करें, अल्फ़ाबेटिकली मतलब अलिफ बे की तरतीब से इसे इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, अब इनके मीनिंग्स और साथ में इसके जो के क्या हैं मायने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है आयरन, जिसे लोहा या फिर जंजीर कहा जाता है, जो कि ये वर्ड हमारा है नाउन है, ठीक है। आयरन क्या हमारे पास नाउन है, इसलिए एंड राइट किया गया है आ स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे मटीरियल आ चेन, इसके ये मीनिंग होंगे। सेफ क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसका मीनिंग है महफूज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट, इसे हम ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, इसे इसके मीनिंग क्या है, दो हमारे पास आते हैं, एक तो जो प्रेजेंट है हाल या फिर एक तोहफे वाला। अकरिंग नाउ, यहाँ फिर ये हाल में आ जाएगा या फिर अ गिफ्ट, ये तोहफे में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेंजर, नाउन है ये, इसका मीनिंग खतरा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग इंजरी और हार्म, फेल ये वर्ब है, नाकाम होना।
टू नॉट डू समथिंग और टू बी अनसक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, कि किसी काम में कामयाब ना होना और उसमें फेल हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, फेल, और ये क्या है, वर्ब है। तक बिस्तर में दुकना मतलब उसमें जाना, बी कंफर्टेबल इन बेड, टिल्ट झुकना, ठीक है, झुकना जिसे दोहरा होना कहते हैं, टू मूव इन टू अ स्लोपिंग पोजिशन, स्लोप बन जाते हैं जब हम झुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हग्ड, जोर से फेंकना, स्क्वीज टाइटली, जैसे हम लेमन को निचोड़ते हैं ना वैसे ही। नेक्स्ट है फाइल, रत्ती जिसे कहा जाता है, टू टूल विद अ रफ सरफेस यूज फॉर शेपिंग और अ हार्ड मेटल। नेक्स्ट है क्रीप, इसे कहते हैं रींगना या फिर होले होले, टू मूव स्लोली मतलब आहिस्ता से चलना, आहिस्ता आहिस्ता या फिर होले होले, और केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग नोटिस, ठीक है, जैसे रींगना आहिस्ता आहिस्ता चलना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें लेटर इन अ वर्ड बिलो आर जम्बल्ड, जम्बल्ड के आगे पीछे लिखे गए हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जिसे हम एनाग्राम्स भी कहते हैं, जम्बल वर्ड भी कहते हैं। देखें डी ए आई एस है, इसे हम जब अरेंज करेंगे तो सेट बन जाएगा, व्हाट, व्हेन, स्टोन, नेम, लिव, टाइम्स, आर्म्स, फाइल एंड केम। इसी तरह नॉट टू से कहीं इनको कहना नहीं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि राइट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना, एडजेक्टिव्स है जिसे हम अस्माई सिफ्त कहते हैं, उनको हमने, हमें कहा गया है कि इनको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे देखिए जो एडजेक्टिव है बेसिकली किसी की जो कि वर्क को एक्सप्लेन करता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सॉरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी की खासियत को बताते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव के ऊपर मेरे चैनल पे एक अलग से वीडियो है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में, आपके बच्चों को आप कैसे करवा सकते हैं वो अपलोड है, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास यंग, गुड, क्लेवर, ओल्ड, न्यू, लाउड, पुअर, शाइनी, काइंड, मेटल, स्पेयर, थॉटफुल, ग्रेटफुल, ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट फ्रेजेज एंड एडजेक्टिव्स, फ्रेजेज हैं कलमात और सफाती कलमात यहाँ पे बताए गए हैं। हेयर आर सम फ्रेजेज, जैसे इन आ मीट, यू एंड आई, अप द ट्री, यहाँ पे बताए गए हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी कुछ फ्रेजेज बताए गए हैं, बच्चों को इन फ्रेजेज की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट कहा गया है कि कुछ सेंटेंस है जो कि अनकम्प्लीट है, उन्हें हम कम्प्लीट करेंगे। जैसे कि नीचे देखें, शी बॉट द शर्ट विद येलो लाइंस, दे सा द फॉक्स ऑफ रेड एंड येलो कलर, ही हर्ट द टाइगर ग्रोइंगली फ्राइटेंटली नियर बाय। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई लुक्ड एट द स्काई इन अ स्मॉल की चेन, दिस इज अ शर्ट विद अ लॉन्ग कॉलर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं जो कि बच्चे क्या करेंगे, इसे करेंगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू द एक्सरसाइज 3D ऑन पेज नंबर 21 अ नाइट इन जून, इसका बताया जा रहा है कि वहाँ पे जाएं, फाइंड टू वर्ड्स एंड एंड टू ईच रो, कि हर किताब में शामिल करने के लिए दो लफ्ज ढूंढिए, मैच द साउंड ऑफ द 3 कंसोनेंट्स इन अ रो, रिमेंबर दैट यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द वर्ड्स दैट बींग विद 3 कंसोनेंट्स। अब हम ऐसे लेटर्स लिखेंगे जो कि 3 कंसोनेंट्स मतलब सेम होंगे कंसोनेंट्स को, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए TH तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। इसी तरह ट्रैश, थ्री, थ्रो, थ्रेड ये वर्ड यूज़ किए गए। आगे हमारे पास है SPL है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट, स्प्लिन, स्प्लैश, स्प्लैट, ठीक है। आगे हमने लिया SPR, स्प्रिंग है, स्प्रिंकल है, स्प्रीड, स्प्रे है। इसी तरह SCR को लिया, स्क्रीन है, स्क्रैच है, स्क्रब, इसी तरह वर्ड लिए गए। STR लिया गया, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीम, स्ट्रॉबेरी ये। नेक्स्ट हमने लिया है SQU लिया है वर्ड हमने, तो स्क्वेयर, स्क्वायरल यहाँ पे लिए गए हैं। NIG है तो जिससे हमने कहा नाइट और एंड राइट। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास कंपोजिशन है जो कि जिसे हम कहते हैं तहरीर, ठीक है। तहरीर है जो कि हम बच्चे क्या करें, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमने किसके बारे में लिखना है। थिंक ऑफ अ टाइम कि क्या करें, किसी ऐसे वक्त के बारे में सोचिए। यू हैव बीन फ्राइटेंड कि जब आप बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हुए हों। वाज इट समथिंग यू सॉ और वॉच्ड कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने देखी या सुनी। डिड समथिंग और समवन मेक यू जंप राइट अबाउट इट, ठीक है। क्या किसी चीज़ या किसी अफराद ने आपको उछलने पर मजबूर किया, इसके बारे में आप लिखिए। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके नोट्स आपको वीडियो के लास्ट पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।